हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम ब्लॉगर प्रियंका। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जब तक आप लोगों को ये ब्लॉग मिलेगा तो मैं उस टाइम पे इटली में होंगी, तो मैं ये सारे दो तीन ब्लॉग्स जो हैं वो सेटिंग करके जाऊँगी आप लोगों के लिए। कि आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और मे बी मैं आप लोग के कमेंट्स का उस टाइम पे जवाब ना दे पाऊँ, बट वापस आने के बाद मैं ज़रूर सभी लोगों से बातें करूँगी, कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो ये है, आज लाइक आफ्टरनून टाइम है, 1 o'clock हो गए हैं एंड मैं श्रेयांश के लिए लंच बनाने आ गई हूँ। और लंच में आज मैं बना रही हूँ उसके लिए कॉर्न राइस। तो ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, श्रेयांश को कुछ भी थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है। तो प्याज एंड अनियन जो भी फ्राई होते हैं वो सारे तो मैंने फ्राई कर दिए। नॉर्मल मसाला जो होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कॉर्न राइस बनाने का, वो उसके बाद। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे लहसुन और थोड़ा क्यूमिन पाउडर भी डालूंगी, जो कि नॉर्मली कॉर्न पुलाव बनाओ तो नहीं डलता है, बट श्रेयांश को पसंद है थोड़ा मसालेदार खाना। और हाँ, यहाँ पे लाइक जो कॉर्न मैं ली हूँ उसको बॉईल करके कर और उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करके, नमक मिक्स करके उसको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है, तो उससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। और जब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे एंड राइस ऐड करने के बाद उस कॉर्न जो कॉर्न है, कॉर्न के दाने हैं, उसको मैं डालूंगी ताकि उसका जो क्रिस्पीपन है वो बना रहे। एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली बच्चों के पुलाव में, ये कोई भी राइस बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, अगर आप घी ऐड कर दें तो उसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और बस ये क्विक सी रेसिपी है। राइस मैंने पहले ही बना के रख लिया था, बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर राइस मिक्स करके एंड कॉर्न मिला दूंगी। और मैं आज सिर्फ वो कॉर्न खा रही हूँ, मुझे आज पता नहीं लंच करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ कॉर्न खा रही हूँ। तो ये है और कॉर्न एंड विथ कोल्ड कॉफ़ी। पता नहीं आज कुछ मुझे ठंडा का पीने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोल्ड कॉफ़ी बना जाए। तो चलिए फटाफट फिनिश करती हैं और लंच करते हैं। तब तक श्रेयांश को लाने जाऊंगी पहले, उसके बाद वो आ जाएगा, फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है ये फर्स्ट टाइम है, आई होप कि आप लोग इस ब्लॉग को प्यार दें, क्योंकि बहुत ही क्यूट सा ब्लॉग है एंड श्रेयांश का ये फर्स्ट टाइम है कि आप लोग के सामने आकर वो आप लोगों से बात करेगा। लाइक वो बातें करता है बट सामने आकर वो बात करेगा। तो चलिए फिर मैं ये काम फिनिश करूं। How is it? I'm asking you something. How is it? ये देख लिए श्रेयांश राज को कि उसको बोलने की भी फुर्सत नहीं है, टीवी देखने में वो इतना मगन है, ऐसा लगता है कि
उसको स्कूल से जब वो निकलता है तो सबसे ज्यादा उसको चाहत रहती है, नहीं मम्मा से मिलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टीवी में क्या देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, आजकल के बच्चे भी ना। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से श्रेयांश के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मम्मा चैनल। टुडे माय मम्मा का बॉट न्यू बैग एंड न्यू थिंग्स। माय मम्मा बॉट दिस बैग टू कीप मोर स्टफ एंड देयर इज मोर स्पेस फॉर दिस बैग। So this bag I bought for you from where? Baby shop. From baby shop. And I got this different bag. Spacious bag, na? This one is big bag. So Shreyans का जो पुराना bag था वो उसके लिए छोटा हो गया था, तो मैंने ये लिया है और ये काफी cute सा लगा। Actually 130 का था online baby shop से, तो ये 80 में आ रहा था तो ये लिया है। काफी अच्छा है, कुशन है पीछे। लुक एट दिस स्टाइल वन, लुक एट दिस। चैंस को ये बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों। और ये कुशन भी अच्छा है ना बेटा। हां। एंड सो आर कलर, यू लाइक दिस कलर? ओके, तो ये था चैंस का न्यू स्कूल बैग। एंड ये दिखा दो। और ये चैंस के लिए लिया है टिफिन, न्यू टिफिन बैग। ये भी मैचिंग का है ना बेटा, कलर ब्रांड मैच नहीं है। ये इनक्रेडिबल 2 का है, ये समथिंग लाइस करके, आई डोंट नो ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं या नहीं, बट ये आप खोल के दिखाओ। इधर है जब दिस वन इज नाइस, ये वॉर्म भी रखेगा एंड यहाँ पे वाटर भी आप अपना रख सकते हो, है ना। एंड 2 टिफिन इसमें आ जाएंगे ना। एंड दोनों कलर भी मैच है, सो यू लाइक दिस। और यहाँ पे हम लोग ये डाल देंगे योर नेम। ओके, हाउ टू चेक? इसमें नहीं, इसको तो आपको अलग से लेके जाना है। नो, आई हाउ टू चेक इट विल फिट ऑन। ओके, यू वांट टू चेक? टिफिन नहीं है बेटे जी, यहाँ पे कल देगी मम्मी। ओके, सो दिस आई कैन टेक लाइक दिस, यू कैन टेक लाइक दिस, यू कैन टेक लाइक दिस। ओके, और इफ यू वांट टू टेक लाइक दिस, यू कैन टेक लाइक दिस आल्सो। ओके, पाउच यू फॉरगॉट, दिस इज अ पेंसिल पाउच। जुरासिक पार्क पाउच, नीचे बैठ के दिखाओ। पेंसिल पाउच ना, श्रेयांस का न्यू पेंसिल पाउच, ये भी रेड कलर है, तो श्रेयांस ने सारे मैचिंग करके लिए है ना बेटो। आ गया ठीक से? ओके सॉरी, स्पेसियस है, यू कैन फाइंड इजली इन दिस। You can find or not? Yes, I can find. You can find, na? Color pencil? Yes. Or we can color pencil in different pouch if you want. Or is this okay? Yes. This is okay? Yes. Okay. Ashyans ke liye buy kiya hai mama ne cute se night shoes. So nice. And Ashyans aap logo ko pehen ke dikhayega. Dikhayega pehen ke? So this one, this is so big, Ranu. This is so big. Still I can wear. Still you can wear? Yeah. So let's see. And this one is so many cars. So many cars. Are traffic. There are traffic at this. चलो जो पहन के दिखा दो। Okay. Oh, this is nice or perfect.
उसे नाइस और परफेक्ट और ग्रेट और ग्रेट श्रेयस का क्वेश्चन आप लोग से बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, नाइस परफेक्ट और ग्रेट, तो बताइएगा और ये थोड़ा सा और बेस्ट, कोई भी ऑप्शन बुरा नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा रहा है, 7 to 8 ईयर मैंने लिया था, आई थिंक ये 45 का है, ओ 45 दिरहम का, तो काफी क्यूट सा कलर है, रेड कलर, और एक ये है, ये भी पहन के दिखाओगे, ये पहन के दिखाओगे, तो इसका भी ऑप्शन बता दो कैसा लग रहा है ये श्रेयस पागल हो चुका है, और ये आई थिंक मिला 32 दिरहम का, 32 साल, 32 दिरहम, नॉट साइज, प्राइस, देन हाउ मच साइज, तो ये तो श्रेयस का छोटा सा क्यूट सा हॉल, तो बोलना आपको कुछ, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, हाँ सब्सक्राइब एंड कमेंट ये श्रेयस का, एंड व्यू एंड व्यू व्यू आल्सो व्यू आल्सो व्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट, तो ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो गाइस, और श्रेयस को बहुत मन करता है आप लोगों से बातें करने का, आप लोगों के सामने कैमरे में आने का, तो इसलिए मैंने इसका जो हॉल था मैंने इसको बोला कि तुम खुद शूट कर लो, तो ये बहुत एक्साइटेड था, शुरू में थोड़ा सा नर्वस था, बट आपने बाद में देख लिया है कैसा है, हाँ मैं नहीं थी, मुझे लगा कि ये अकेले कर लेगा, तो मैं कुछ काम कर रही थी तो बोला नो मम्मा यू कम ऑल्सो, तो ये था, तो श्रेयस का ये फर्स्ट वीडियो है ना मेरे, तो एंड श्रेयस इज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो ये था, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्यूट सा निटखट सा ये वीडियो, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड श्रेयस के रिक्वेस्ट को जरूर मानिएगा, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक, एंड प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें एंड लाइक भी जरूर करें, मुझे मैं भूल जाती हूँ क्या 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 आप लोगों को बोलना है, शेयर भी जरूर करें अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, बाय 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 बाय।